हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेसी क्लासेस। बच्चों, आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो मार्च 2024 के अंदर 10th क्लास का साइंस का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आप ऐसा मान के चलो कि इनसे बाहर आपका एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो थोड़े टाइम के अंदर आपने कैसे प्रिपेयर करना है, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जो है वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, तो वो हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब इसमें आपने कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, तो वो देखिए। सबसे पहले बात करें तो जितने भी इसके अंदर नेम रिएक्शंस हैं, वो सारी आपने करनी है बच्चों। ठीक है, और हर एक के दो दो एग्जाम्पल आपको करने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चार रिएक्शन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और चारों के दो दो एग्जाम्पल आप लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से करने हैं। इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और इनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। यानी ये चार तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। अब और भी कुछ रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज कंपेयर टू इन चार को अगर देखें तो इनसे कम है। पहले आपने इनको करना है, उसके बाद उनको याद करना। ठीक है, तो वो देखिए कौन कौन सी है। यहां हम बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन, यहां पर आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और दोनों को मिला दे तो क्या बन जाता है, रेडॉक्स। ये तीनों के बारे में आपने पढ़ना अच्छे से। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हो, इनसोल्युबल सब्सटेंस बचते हो। बच्चों, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। ठीक है, तो दोनों आप इसमें कर सकते हो, यानी प्रेसिपिटेशन याद कर लो इसके एग्जाम्पल, और वही एग्जाम्पल आप डबल डिस्प्लेसमेंट में भी कर सकते हो। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, फिर आता है इसके अंदर एंडोथर्मिक, और उसके बाद क्या है, एक्सोथर्मिक। और दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और आती है इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लिया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लिया जाता है। ठीक है, या कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, इनके बारे में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है बच्चों, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीटेड है, ध्यान से करना इसको। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। यहां पर क्या किया जाता है, हीट की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तीनों की फॉर्म के अंदर आपको इस रिएक्शन को करके दिखाना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको बच्चों बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन को, वो आपको पता होना चाहिए। तो चैप्टर फर्स्ट से ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आपने बड़े ही अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं चैप्टर सेकेंड, एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो इसमें बच्चों आपने सबसे पहले क्या करना है, देखो हमारे पास कुछ कंपाउंड है, उनके आपने कॉमन नेम, ठीक है, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन और यूजेज, ये सारे टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। ठीक है, ये साल्ट फैमिली के अंदर है हमारे पास। अब कौन कौन से हो गए, तो इसमें देखिए पीओपी आ जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी में जिप्सम का भी आ जाता है यहीं पर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वाशिंग सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला क्वेश्चन क्लोर एल्कली प्रोसेस नाम से आ जाता है, इसके अंदर क्लोरीन के यूजेज क्या क्या होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेज क्या क्या होंगे, और जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसके क्या क्या यूज होंगे, इसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से करना है। यहां से बड़ा क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो बच्चों पीएच स्केल, पीएच स्केल से रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं, जिसमें टूथ डीके के बारे में है। ठीक है, और किसी की वैल्यू पूछ ली, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, कि जिसकी पीएच कितनी होती है, 10 होती है। एक और आ जाता है इसके अंदर कि 1 मोल NaOH की पीएच पूछ ली, ठीक है, वो आपने बतानी है 14। 1 मोल HCl की पीएच पूछ ली, जो कि हमारे पास 0 होती है। इस तरह से आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक टेबल बना रखी है, जिसके अंदर ये पीएच वैल्यू पूछी गई है, वो सारी वैल्यू बच्चों कर लेना, 1 मार्क्स के लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसी भी फॉर्मूले के अंदर पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आता है ये एग्जाम में। और फिर किसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे टोमेटो की बात आ गई, लेमन की आ गई, विनेगर की आ गई, ऑरेंज की आ गई इसमें,
ठीक है, तो किस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने करने हैं। और उसके बाद आ जाता है लास्ट इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आप लोगों ने करनी है। और इनमें बच्चों जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, जितने भी आपके चैप्टर है, हर एक चैप्टर के अंदर तीन चार 1 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के आपके टेक्स्ट में दे रखे हैं, एक्सरसाइज में दे रखे हैं, उन सभी को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, वो डायरेक्ट एज इट इज एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं जो चैप्टर 3rd है हमारा, मेटल्स एंड नॉन मेटल, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, तो वो देखिए। 3rd चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी यहां आपने करनी है, जिसमें मेलेबिलिटी डक्टिलिटी की बात करें तो ये पॉइंट पे आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। यानी आपने यू मान के चलो 100% क्वेश्चन आपका पुट होगा यहां से, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, 1 मार्क से लेकर बड़ा क्वेश्चन भी यहां से बच्चों पुट होगा जरूर, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो छोटा क्वेश्चन बनता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, 2 नंबर का एग्जाम्पल के साथ आपने करना है। और गिव रीजन वाले क्वेश्चन है यहाँ, एक्सरसाइज और टेक्स्ट के अंदर अगर बात करें हम, तो गिव रीजन के नाम से इसमें कुछ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपने करने हैं इसमें, ठीक है। और फिर आता है रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड आपने क्वेश्चन करना है। मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज की अगर बात करें, हाई रिएक्टिविटी सीरीज होगी या लो की बात करें, तो उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने करना है, ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। फिर छोटा है क्वेश्चन आता है इसमें एक्वारेजिया, 1 नंबर का, वो भी आपने करना है। कैल्सिनेशन रोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो बहुत बार पूछा जाता है उसमें। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, शॉर्ट नोट आ जाता है इसके ऊपर, 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है ये, ठीक है। और अलॉय, कंस्टिट्यूएंट ऑफ अलॉय, जैसे ब्रास की बात करें, ब्रोंज की बात करें, सोल्डर की बात करें, तो ये किस किस के मिक्सर से बने हुए हैं, तो यहां से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये चैप्टर था बच्चों हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल का। इनके बारे में जो भी टॉपिक मैंने यहाँ लिख रखे हैं, तो कोई भी अगर आपका डाउट है तो इनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, तो वहां प्लेलिस्ट में जाकर आप 10th केमिस्ट्री का पोर्शन मिल जाएगा, वहां से आप जो है उनको अच्छे से याद कर सकते हैं। और कोई भी आपका क्यूरी फिर भी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, उसको सोल्व कर दिया जाएगा। तो अभी बात करते हैं बच्चों जो हमारा लास्ट चैप्टर आता है केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर में सबसे पहले बच्चों आपने करना है एक तो नोमेनक्लेचर, कोई भी कंपाउंड दे रखा है कार्बन का तो उसके नाम आपको जरूर आने चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है कि 1 नंबर से लेकर जो है वो बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, यानी 3 दे दिए 4 दे दिए 5 दे दिए ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको मार्क्स जो है इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमने लिया है नोमेनक्लेचर को ही लिया है, नाम लिखने आपके पेपर में डेफिनेट आएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के रूप में, कोई भी आपके पास जैसे फॉर्मूला दे दिया और बता दिया कि इसका जो है वो आइसोमर्स बताओ भी कौन कौन से होंगे इसमें, जैसे पेंटेन की अगर बात करें, ब्यूटेन की बात करें, तो उसके आइसोमर्स पूछ लिए इसमें, ठीक है। उसके बाद है कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, 2 छोटे-छोटे डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आप लोगों ने करनी है, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहां पर डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में टेक्स्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं, 1-2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वही कर लेना सफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है कई बार आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज का क्वेश्चन है वो बड़ा बना दिया जाता है, तो इसको आपने पढ़ना है। फिर इस चैप्टर की अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो बच्चों ये पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, यू मान के चलो 2 नंबर से लेकर पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन भी ये बन सकता है उसमें, ठीक है। यहां देखिए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विद एग्जाम्पल आप लोगों ने करनी है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर अगर देखें तो ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है। और उसके बाद आता है आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी कौन सी है वो प्रॉपर्टी आपने करनी है, यानी आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लें इसमें। फिर आता है प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड,
इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, यहां से 100% क्वेश्चन आपका बनेगा, दोनों के प्रॉपर्टी में से कोई भी क्वेश्चन जो हो आपका, कोई रिएक्शन दे दी उसमें उसको कंप्लीट करना पूछ लिया, ठीक है, तो कैसे भी करके जो है वो इनमें से आपका क्वेश्चन बनेगा एक। फिर जो लास्ट टॉपिक आपका बनता है इसमें सॉप्स एंड डिटर्जेंट का, इसमें तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने करना है डायरेक्टली, सॉप्स और डिटर्जेंट का क्वेश्चन बड़ा भी इसमें से बन सकता है। तो बच्चों ये आपके थे केमिस्ट्री पोर्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इन सभी को आपने अच्छे से करना है। अभी हम बात करते हैं कि जो हमारा फिजिक्स और जो बायो का पोर्शन है उसके कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। अभी हम बात करते हैं कि जो फिजिक्स का पोर्शन रहेगा उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे आपके एनुअल एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो पहला चैप्टर आपका है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि क्या क्या आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। तो यहां मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, 99% आप मान के चलो कि आपका जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का तो एक रे डायग्राम का डेफिनेट ही बनना है, ठीक है। रे डायग्राम आपको कैसे बनाने हैं, इन कौन से रूल्स इसमें फॉलो करने हैं आप लोगों ने, तो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी इसके अंदर डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं आते तो एक बार आप उन वीडियो को जरूर देख लें, आपके सारे डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो रे डायग्राम आप सभी ने बहुत अच्छे से करने हैं। सबसे जरूरी जो रे डायग्राम रहेगा हमारा वो है एक तो कनकेव मिरर का केस जिसमें आपके 6 रे डायग्राम है, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस का केस, दोनों के अंदर 6 रे डायग्राम है, ठीक है। ये पूरे चांसेस है कि इन्हीं दो में से आपका जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का पुट हो जाए। तो पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है बच्चों कि जितने भी जो इसमें रे डायग्राम है वो आपने बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर छोटी छोटी डेफिनेशन दे रखी है बच्चों जो आपने करनी है, जैसे कि फोकस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर आ गया, अपरेचर हो गया, यानी लेंस और मिरर दोनों के केस में ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आप लोगों ने कर लेनी है। ये 1 नंबर में भी आ सकती है और 2 नंबर में भी पूछी जा सकती है, ठीक है, तो इनको भी आपने अच्छे से करना है। फिर है बच्चों जो 1 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का, 1 का भी आ सकता है यहां से, 2 नंबर में मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको मैंने बताया ना कि जो रे डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी तरीके से छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगी इसमें पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड, तो ये कंसेप्ट भी आपने बहुत अच्छे से करना है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पावर ऑफ लेंस इसकी एसआई यूनिट बताओ, उसको डिफाइन करो, यानी 1 डायोप्टर इसको डिफाइन करना आ जाए, तो आपने बताना है कि जब फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो हम कहेंगे पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर होगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपकी बन सकती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आपको पता है कि जो पावर ऑफ लेंस होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ हम लेते हैं, ठीक है। अब अगर फोकल लेंथ आपकी मीटर में है तो हम डायरेक्टली कर देंगे 1/f, और अगर फोकल लेंथ आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है तो आप क्या कर दोगे, P=100/f कर देना, आपके पास पावर ऑफ लेंस आ जाएगी। इसमें इस कंसेप्ट को आपने ध्यान रखना है। दूसरा ये भी ध्यान रखना है आपने कि लेंस दे रखा है या फिर मिरर दे रखा है, ठीक है। कनकेव लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि उसकी फोकल लेंथ भी हमेशा नेगेटिव आएगी, तो अगर दे रखी हो ऑलरेडी माइनस में दे रखा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नहीं दे रखे हो तो आपने साइन ऑफ कन्वेंशन यूज करके वहां पर माइनस कर देना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यहां पर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों के दो दो लॉ जो आपने करने हैं। रिफ्रैक्शन में आपका स्नेल्स लॉ भी अलग से पूछ लिया जाता है इसमें, ठीक है। और यहां हम बात करें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इस चैप्टर का, तो उसमें आपने एक तो डायरेक्ट मिरर और लेंस फॉर्मूला दोनों का पता होना चाहिए, ठीक है, और इसमें वी क्या है, यू क्या है, एफ क्या है, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये मेंशन भी करना है पेपर के अंदर, अगर पेपर में आ जाता है कि मिरर फॉर्मूला बताओ क्या होता है तो उसमें आपने बताना है कि वी क्या है, यू क्या है और एफ क्या है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बच्चों आपने करके देखनी है, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखे ना उन्हीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आपने सोल्व करके देखना है, और ज्यादा एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आता है, इसी में एड कर दिया जाता है लास्ट में मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट, तो मैग्निफिकेशन का भी आपने ध्यान से करना है। जो अलग से भी आ जाते हैं क्वेश्चन कि मैग्निफिकेशन प्लस 1 होती है तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका अलग से भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कंसेप्ट है, वो आपने भी करना है, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक है बच्चों, ये आपने जरूर करने हैं।
और यहां बात करें तो न्यू कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन, ये क्वेश्चन आपका बड़ा भी बन सकता है, चांसेस कम है लेकिन बड़ा भी बन सकता है, और सिंपल है बहुत ही, कि ऑब्जेक्ट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है तो आप पॉजिटिव लोगे, यदि उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में करोगे तो नेगेटिव लोगे, सारे डिस्टेंसेज कहां से, अगर मिरर दे रखा है तो आप ऑल से मेजर करोगे उसमें, लेंस दे रखा है तो आप क्या करोगे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे, तो ये सारे इस तरह के जो बिल्कुल सिंपल से जो पॉइंट्स है, जो इनके रूल्स रेगुलेशन है वो आपने करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करें तो यूजेज आते हैं बच्चों कन्वेक्स, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, मींस यूजेज करने हैं आपने लेंस और मिरर के, ये यूजेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेसन 9 जो आपका लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का है, उसमें से ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कौन कौन से रहेंगे, तो इस चैप्टर में देखिए भी कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है बच्चों छोटा क्वेश्चन बनेगा इसमें यहां से, तो जो है पावर ऑफ अकोमोडेशन की डेफिनेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन की डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप ध्यान रखो फ्री का क्वेश्चन है बच्चों ये, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग डिविजन 25 सेंटीमीटर आपने लिख देना, आपका एक नंबर पक्का, और 0.25 मीटर भी अगर ऑप्शन में दे रखा हो ना, ऐसे कि 0.25 मीटर और कोई दे रखे हो साथ में, ठीक है, तो ये मत सोचो ना कि सेंटीमीटर में था, तो इसको आपने ध्यान रखना मीटर में भी सेंटीमीटर में भी, ठीक है। सेंटीमीटर आ जाए तो 25 सेंटीमीटर मिलेगा, और अगर मीटर में मिलेगा तो 0.25 मीटर मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आता है कि फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या है, फार पॉइंट इन्फिनिटी है और नियर पॉइंट ये आपको बता ही दिया 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ह्यूमन आई का, एक तो ह्यूमन आई का आपको डायग्राम आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने ह्यूमन आई का डायग्राम और इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स की डेफिनेशंस वगैरह आपको आनी चाहिए उसमें, वो अलग से भी पूछी जा सकती है 1 मार्क्स के अंदर, ठीक है, तो वो आपने ध्यान रखना है। इसमें एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन और आता है इसमें कि जो फ्रंटल पार्ट है कॉर्निया है उसके बारे में जो है पूछा जा सकता है, तो उन पार्ट्स को आप बहुत अच्छे से करिए, रोड्स और कॉर्न सेल के बारे में भी पूछा जा सकता है इसमें, आयरिस का क्या काम होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीटेड होता है उसमें, कॉर्निया का बता दे जैसे आपको, प्यूपिल का क्या काम होता है, तो ऐसे अलग अलग करके 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है और कंबाइन करके एक बड़ा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसके डिफेक्ट है बच्चों, डिफेक्ट उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ह्यूमन आई का, बल्कि ह्यूमन आई से हम यूं कहें डिफेक्ट इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिफेक्ट में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसका तीसरा डिफेक्ट आ जाता है जिसे हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं, ठीक है, प्रेस बायोपिया, और एक है कैटरेक्ट, कैटरेक्ट अलग है, लेकिन ये 3 डिफेक्ट इसके, वैसे 4 डिफेक्ट है अगर टॉपिक को आप देखोगे इसमें, तो मैंने काफी सारा जो इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है चारों डिफेक्ट के बारे में। आपके लेवल के ऊपर 3 ही डिफेक्ट है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है और प्रेस बायोपिया है, ठीक है। तो ये तीनों जो टॉपिक है वो आप लोगों ने अच्छे से करने हैं डायग्राम के साथ, कैसे करेक्ट होते हैं, ठीक है, क्या कारण है इनके, क्या जो डिफेक्ट होगा तो उसमें आई के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसमें, ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों ने करनी है। और मैं ऑलरेडी जो है 10 साइंस की प्लेलिस्ट के अंदर ये सारे वीडियो जो है वो डाल चुका हूं, तो आप वहां से उनको देख भी सकते हैं, ठीक है। फिर है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और व्हाई डू नॉट प्लेनेट ट्विंकल, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। उसके बाद है ब्लू कलर ऑफ स्काई, इसमें यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमिनन आ जाते हैं, जैसे टिंडल इफेक्ट हो गया, ब्लू कलर ऑफ स्काई हो गया, उसमें ये अच्छे से करना है इसमें, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ओनली डिस्पर्जन ऑफ लाइट की जो डेफिनेशन है वो भी एग्जाम में पूछी जाती है, और रेनबो का आ जाता है, तो रेनबो का क्वेश्चन भी आप लोगों ने करना है। इसके साथ जो क्वेश्चन आ जाता है रेडिश ऑप्शन अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में, सनराइज सनसेट्स का भी आ जाता है इसमें, कि 2 मिनट पहले सनराइज हो जाता है, 2 मिनट बाद तक जो है वो आपको विजिबल होता है, ये क्वेश्चन थोड़े से कम है, बाकी ये जो बताए हैं वो आपको अच्छे से करने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, तो वो देखो बच्चों कि यहां पर सबसे पहले है कि छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, डिफाइन करना आ गया इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, तो ये डेफिनेशंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा जा सकता है, ओम्स ला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें,
रेजिस्टेंस हो गया, और ये पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलो आप कि डिफाइन एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स का मतलब 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पूछ लिया क्या होता है, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लिया क्या होता है, या 1 ओम रेजिस्टेंस पूछ लिया क्या होता है, या फिर 1 वाट इलेक्ट्रिक पावर है वो क्या होती है ये पूछ लिया। तो ये जो डेफिनेशन है ये एसआई यूनिट को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों इनको आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आता है कि हमारे पास जैसे 1 ओम और 10^6 ओम के 2 हमारे पास रेजिस्टेंस दे दिए, उनको पैरेलल में जोड़ दिया तो टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, ठीक है। और या फिर ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस दे दिए जिनके डिफरेंट वैल्यू हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो पूछ लिया उसमें। या फिर और कोई सर्किट बना के दे दिया जिसमें सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ इनका टोटल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर का मैंने आपको बता दिया, और यहां पर बात करते हैं तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है वो आ सकता है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल यानी पावर से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स बनने के पूरे चांसेस हैं कि यहां पर बताओ कि किस रेट से हीट डेवलप होने लग रही है, या जो पावर का रेट पूछ लिया उसमें ये क्वेश्चन इस टाइप के जरूर पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। कि कोई इलेक्ट्रिक हीटर है उसको इतने वाट जो पावर सप्लाई की जा रही है और एक दिन में इतने घंटे चलने लग रहा है, तो एनर्जी कंज्यूम पूछ ली भी किस रेट से एनर्जी कंज्यूम होने लग रही है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी संभावना है बच्चों आने की, ठीक है। यानी ये मैंने बता भी दिया, यहां पर आप देखोगे तो 16, 17, 18 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो तीनों क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं। ये 2 क्वेश्चन तो आपके इसी से रिलेटेड हो गए जो अभी मैंने आपको बताई है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और इसमें गिव रीजन का जो कंसेप्ट दे रखा है कि जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर होती हैं तो उनको इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के रूप में क्यों यूज किया जाता है, इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे रखे हैं 4-5 इसके अंदर पार्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में, वो भी आपने अच्छे से करना है, ठीक है। फिर सिंबल आ जाते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के कि बैटरी को कैसे जो सर्किट के अंदर बनाया जाता है, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका वोल्ट मीटर होगा उसको कैसे किया जाता है, रेजिस्टेंस को कैसे किया जाता है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो करने हैं। एनसीईआरटी बुक के अंदर एक पूरी टेबल बना रखी है वो आपने करनी है, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो इसको कि ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, कि रेजिस्टेंस जो है किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपने करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। तो अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में देखिए। यहां पर हम बात करें इसमें तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये पैटर्न कैसे आपने ड्रॉ करना है, इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो सोलेनोइड का कंसेप्ट है, सोलेनोइड से रिलेटेड आपने क्वेश्चन करना है, इजी क्वेश्चन है वो आपने बड़े अच्छे से करना है इसको। फिर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट कंडक्टर, एक स्टेट कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, ये तीनों रूल्स भी आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट सर्कुलर लूप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं बच्चों इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका बड़ा बनने की संभावना है, 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ये आपका आ सकता है, या फिर 3 नंबर का करके और 2 का साथ में दूसरा भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट सर्कुलर लूप। उसके बाद है यहां पर कि इसके अंदर कुछ एक्टिविटी दे रखी है और उन एक्टिविटी में एक एक्टिविटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, ये एक्टिविटी आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है, ये एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। इसके साथ इसकी 1-2 और एक्टिविटी है इसी टाइप की, वो भी आप लोगों ने करनी है। सो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके लिए सफिशियंट रहेंगे, कोई ज्यादा आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, यहां से संभावना बड़ा क्वेश्चन बनने की ही ज्यादा है उसमें, ठीक है। पहले इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर होता था, वो कट हो गया है, तो अब उसके लिए इन क्वेश्चन से रिप्लेस किया जाएगा उसमें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ कि उसके कौन कौन से क्वेश्चन जो वो एक्सपेक्टेशन में है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। यहां से बच्चों आपको छोटा क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा इसमें,
ठीक है। और छोटे क्वेश्चन के अंदर यहां जो आपको लिखे गए हैं इसमें, तो आवर इन्वायरमेंट से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उनके बारे में देखिए बच्चों। यहां मैं आपको बता देता हूं कि यहां से सिर्फ छोटा क्वेश्चन बनेगा आपका, 1 मार्क्स का बनेगा या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। इसमें बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनेगा, और उसके लिए या तो एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें, या फिर छोटे छोटे डेफिनेशन वगैरह दे रखी हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की संभावना है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने यहां कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उनसे बाहर आपका इस चैप्टर से नहीं आएगा। तो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोसिस्टम। देखो बार बार पूछा गया है इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम के एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल बताओ, आर्टिफिशियल के बताओ इसमें, ठीक है। दो दो एग्जाम्पल कम से कम पूछ लिए जाते हैं इसमें, ये आपने करना है इसमें, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के साथ ये भी आप लोगों ने करना है बच्चों। उसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, कंज्यूमर की बात आ गई इसमें, डीकम्पोजर हो गए, हर्बीवर्स हो गए, कार्निवर्स कौन से हैं, ओमनिवर्स, पैरासाइट्स, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों ने जरूर करनी है। उसके बाद अगर देखें तो फूड चेन और फूड वेब, ठीक है, और ट्रॉपिक लेवल इसके अंदर आ जाता है। ये तीनों कंसेप्ट इसमें आप लोगों ने करने हैं, छोटे छोटे करने हैं, ज्यादा बड़े करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फूड चेन क्या होती है इसमें, फूड वेब क्या होती है, और ट्रॉपिक लेवल में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन से आते हैं, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन से आते हैं, टर्सरी पर कौन से आते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी है इसमें। और इसके साथ ओजोन से रिलेटेड आपने क्वेश्चन बच्चों जरूर करना है कि ओजोन लेयर है मतलब किसके लिए काम आती है, कौन सी रेज से हमें प्रोटेक्ट करवाती है इसमें, किस वजह से ओजोन लेयर जो है उसका नुकसान होने लग रहा है उसमें, ठीक है। ये सारी बातें बच्चों आप लोगों ने पढ़नी है इसमें। तो ये था आपका कंप्लीट फिजिक्स का पोर्शन। अभी हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे। बच्चों बायोलॉजी के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो है लाइफ प्रोसेस का, और यहां से मैं आपको बता देता हूं कि 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा बच्चों 100% बनेगा, जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर है इससे, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा रहेगा यहां पर। एक तो डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। इससे डिफरेंस में क्या है, देखो ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में है, इसके साथ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहां पर दोनों के अंदर डिफरेंस आप लोगों ने अच्छे से करना है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पैथवेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है ये, ठीक है, और 5 नंबर का क्वेश्चन बना है ये, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पैथवेज, फंक्शन ऑफ नेफ्रोन मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रोन। इसके साथ स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है, उसके बारे में आपने बताना है, छोटा क्वेश्चन भी इससे बन सकता है, ठीक है। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन बच्चों आपका ऐसा भी हो सकता है इस चैप्टर से, एक 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाए, एक 2 नंबर का दे दिया जाए, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। इसीलिए जो ये डिफरेंस वगैरह हो गए वो यहां पर आपको बताए गए हैं, ठीक है। और डायग्राम करने हैं बच्चों, बायो के अंदर डायग्राम आपने जरूर करने हैं। ऐसा मान के चलो कि जो 20 नंबर का पोर्शन है आपका बायोलॉजी का, उसमें से बच्चों 10 नंबर तो आपके सिर्फ डायग्राम ही दिला सकते हैं आपको, और लेबल डायग्राम होने चाहिए, सभी के नाम आपने लिखने हैं, बायो के अंदर सबसे जरूरी पॉइंट होता है ये, ठीक है। लीफ का डायग्राम आपने करना है, ह्यूमन हार्ट का है, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, और फिर एक्सक्रिएटरी सिस्टम का है, फिर अगर करना चाहो तो बच्चों ये भी कर लेना डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। सबसे जरूरी कौन सा, ह्यूमन हार्ट का हो गया, लीफ का डायग्राम होगा, ये दोनों सबसे जरूरी है, ठीक है। फिर नेफ्रोन का तो आप इसमें कर ही लोगे यहां पर, और रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रिएटरी बाद में सबसे, इसको करना डाइजेस्टिव सिस्टम, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, एक था ये, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया था कि आप इसको भी मत छोड़े, कर ले इसमें, ठीक है। उसके बाद अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, कोई भी दे रखा हो अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन, वो आपने जरूर करना है, ठीक है। रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक, छोटा सा क्वेश्चन बनता है। फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, वाटर और मिनरल, प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम और फ्लोएम का जो कंसेप्ट है वो यहां आ जाता है, तो आप लोगों ने करना है उसमें, ठीक है। उसके बाद फैट डाइजेस्टिव इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर फैट कैसे डाइजेस्ट होती है, कुछ एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने करने हैं। अभी हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जो बनता है वो है न्यूरॉन। अगर हम कंपेयर करें बच्चों न्यूरॉन और नेफ्रॉन, तो दोनों के अंदर एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग अगर देखें तो बच्चों 100% रहेगी न्यूरॉन और नेफ्रॉन से रिलेटेड। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है, दोनों को आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या है, उनके फंक्शन क्या है, ये आपने बहुत अच्छे से करना है। यहां से छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है और इसके साथ बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, और ब्रेन रिलेटेड आपने क्वेश्चन करना बेटा, कौन सा पार्ट यानी ब्रेन के जो पार्ट्स हो गए किसका क्या फंक्शन है। ठीक है, ये सारा आपने करना है, इसी में वॉल्यूमेंट्री और इनवॉल्यूमेंट्री एक्शन वगैरह भी आ जाते हैं और ब्रेन का डायग्राम भी आपने करना है। यानी ब्रेन से रिलेटेड कुछ मत छोड़ना, इस चैप्टर का ब्रेन का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नर्वस सिस्टम के बारे में है छोटा सा क्वेश्चन, वो आपने करना है। और एक क्वेश्चन आता है कि गर्ल्स और बॉयज में पॉवर्टी के टाइम के ऊपर क्या क्या चेंजमेंट आते हैं, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छे से कर ले। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड, यहां से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, उस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ये सारी बातें आपने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर से कर ली है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो कौन कौन से हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बच्चों इस चैप्टर से जो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं तो वो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये मेथड मैंने यहां लिख रखे हैं, इन मेथड को इंडिविजुअली भी पूछ सकता है अलग अलग, और कंबाइन करके एक बड़ा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर बाइनरी, उसके बाद बडिंग की अगर बात करें तो रीजनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है और फ्यूजन, देन लास्ट हमारे पास क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। इनके एग्जाम्पल भी आप सभी ने करने हैं, भाई कौन से मेथड से कौन कौन से रिप्रोड्यूस किया जाता है, तो वो सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, और उसके बाद है फ्लावर का, तो यहां पर फ्लावर का जो डायग्राम है वो भी आपने करना है, अलग से डायग्राम भी एग्जाम में पूछा जाता है, 3 नंबर का डायग्राम आ जाता है, और पूरा कंप्लीट जो इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना वो भी आपने ध्यान करना है। ठीक है, और फिर है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बच्चों इनका डायग्राम ज्यादा पूछा जाता है, पूरा एक्सप्लेन कम पूछा जाता है उसमें, लेकिन आप लोग एक्सप्लेनेशन भी कर ले, डायग्राम तो आपको करना ही करना है। नोमेनक्लेचर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नाम जो हो वो आपने जरूर लिखने हैं सभी के। ठीक है, और उसके बाद है मेंसुरेशन साइकिल और सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आप लोगों ने करना है। फिर है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज कौन कौन सी होती हैं, उन सब के बारे में आपने लिखना है। कुछ इसमें डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, उनके नाम आपने लिखने हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो कौन कौन सी है, वो क्वेश्चन भी आप लोगों ने करना है। ठीक है, सेमिनल वेसल्स प्रोस्टेट ग्लैंड, दोनों के बीच में डिफरेंस है वो आपने करना है इसमें। उसके बाद अगर बात करें तो हाउ डज एम्ब्रियो गेट नूरिशमेंट इन साइड द मदर्स बॉडी, तो मदर्स बॉडी के अंदर एम्ब्रियो, उसके बाद है हाउ डज एम्ब्रियो गेट नूरिशमेंट इन साइड द मदर्स बॉडी, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर से। और लास्ट जो चैप्टर हमारा बाकी है वो है हेरिडिटी का, तो हेरिडिटी से देखिए कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अब हेरिडिटी चैप्टर से बच्चों अगर बात करें हम, तो चैप्टर हमारा छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 3 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाएगा इस पे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, तो ये है कि हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रेसेसिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। और नेक्स्ट है हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेट्स में बी इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हाउ डज सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन, ठीक है ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ हमारे पास है हाउ डज मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी वर्क, कि हेरिडिटरी का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, तो ये क्वेश्चन थे बच्चों आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे आपको इस वीडियो में बता दिए गए हैं। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, इन सभी यानी पूरी साइंस के अंदर बच्चों अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन को हम देखें तो एनसीईआरटी टेक्स्ट के अंदर और एक्सरसाइज के अंदर आपके फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं, या 1 मार्क्स यानी हर एक चैप्टर से 2-3 आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं,
फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी और बायो से भी। तो सारे वन मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने करने हैं। मतलब यूं मान के चलो कि जो आपका वन मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा वहां से डायरेक्टली पुट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ज्यादा वन मार्क्स में आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। इन सभी के जो छोटे क्वेश्चन है वो आप लोगों ने 100% करने हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपको लगा है इस वीडियो को देखकर तो उसका एक छोटा सा रिप्लाई कमेंट सेक्शन में भी जरूर दें। इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम कुछ और आपके लिए नया लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।